ये एक नया मसाज है, आप इसको बाथ भी कह सकते हैं, जैसे स्टीम बाथ। और ये सिर्फ सैंड बाथ है क्या? नहीं, क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल, चलो जाके इलाज करो अपना। अब हम बिलाल भाई से कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई, देखते हैं बिलाल भाई की जो आईक्यू लेवल है वो कितना स्ट्रांग है। बिलाल भाई, अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपसे एक क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजह है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं, ये बताएं तो प्लीज। इसके पीछे तापमान का जो है वो बड़ा असर होता है। अच्छा, जमीन धरती के नीचे जो तापमान है, अच्छा है, उसमें रद्दो बदल की वजह से सर्दियों में तापमान पानी का गर्म और गर्मियों में तापमान जो है वो ठंडा हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये जो हॉक्सबे का पानी है ये कितने बजे खुलता है? ये कोई फजर की नमाज के फौरन बाद। ऐसे तो नहीं होता है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। फजर की नमाज के फौरन बाद खुल जाता है जी। अच्छा ये जाता कहाँ है? घर को। सब बस बेटा, हमारे बिलाल भाई हैं जिन्होंने हमारे को इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी हैं। मेरे ख्याल से आज से पहले ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं पता थी। ये सारी जो है बिलाल भाई ने लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी से पढ़ी है और आप लोगों तक ये पहुंचाई है। तो भाई इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस इन्फॉर्मेशन से जो है वो मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि ये बिलाल भाई किसी किसी को जो है वो कभी कभी मूड में होते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अदरवाइज ये किसी को अपना ज्ञान बांटते नहीं है। अच्छा वो एक एक जो पंछी है पानी का वो भी यहाँ पे लेटा हुआ है। ये देखिए इसकी मिट्टी, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे ख्याल से। अनस भाई कैसे हैं आप? नहीं आ तो सुने, कहाँ भाग रहे हैं? आपसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब दे दें। उधर देखिए कैमरे में देखें, व्यूअर्स हमारे आपको देखना चाह रहे हैं जी। ये पानी पी लिया इन्होंने, कैसा था पानी का टेस्ट? तो रुको जरा, सबर करो। मीठा मीठा सा था। मीठा सा था। अच्छा अनस भाई हमें ये बताइएगा, लोग ये जानना चाहते हैं कि गर्मियों में पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म क्यों हो जाता है? बिलाल भाई ने बोला तापमान की वजह से, आप क्या कहेंगे? गर्मी में पानी ठंडा? हाँ पता नहीं, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म क्यों हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ऐसा होता है? अभी पानी ठंडा था गर्म था? अभी गर्म था। गजब बेइज्जती है। 5 किलो धनिया का वजन ज्यादा होगा या आलू का? आलू का। वजह? आलू का वजन होता है, धनिया का वजन नहीं होता। No! ये बताएं पानी जो है वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों हो जाता है? सर्दियों में ठंडा होता है। हाँ। गर्मियों में गर्म हो जाता है? नहीं, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म हो जाता है, क्यों? अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह नचिया। अच्छा धनिया का वजन ज्यादा होगा 5 किलो या 5 किलो आलू का? आलू का वजन ज्यादा होगा। अभी भी समझ में नहीं आया। ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भैया। भाई आपसे क्वेश्चन है। जी जी। ये बताइएगा 5 किलो धनिया का वजन और 5 किलो आलू का वजन, दोनों में से भारी कौन होगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 5 किलो धनिया का वजन और 5 किलो आलू का वजन, तो सर जी दोनों वजन में बराबर होंगे। भाई मजा आया, वजन में बराबर होंगे जी सर। ये जी पहले आदमी है। अच्छा एक सवाल और है आपसे जी, पानी जो है वो सर्दियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों हो जाता है?
ये खासे अकलमंद लग रहे हैं मुझे। अच्छा सर्दियों में ठंडा हो जाता है गर्म हो जाता है? सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा हो जाता है। सर ये कुदरती तौर पे होता है, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। कुदरत का अनमोल वो है, निशानियां हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कंट्रोल कुछ भी अपने तौर पे है, कुछ भी कह दोगे? नहीं, साइंस भी तो है ना, देखिए कुदरत तो है, साइंस भी तो कुछ कहती है ना इसमें। क्योंकि जमीन के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा होता है और जमीन से ऊपर जो पानी होता है गर्म होता है।